हम लोग बात करेंगे कि कर क्षेत्र में जो कराधान है उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या सुधारीकरण हुआ था। तो कराधान का मतलब क्या होता है, सरकार टैक्स लेती है, कर लेती है। दो तरह के कर होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स देता हूं, ठीक है, आयकर देता हूं, तो आयकर कैसा है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक प्रत्यक्ष कर है। ऐसे ही कोई कंपनी है और वो कंपनी अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफे पर लगने वाला जो टैक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निगम कर, क्या बोलते हैं निगम कर, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है। और ऐसे ही अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो हमारे देश में प्रत्यक्ष कर तो बहुत कम लोग देते हैं, इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं, 3-4% के आसपास लोग आते हैं, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि हमारा जो कंपनीज वही देंगी, तो कंपनीज ही बहुत ही कम लोग चलाते हैं देश में। लेकिन अप्रत्यक्ष कर तो लगभग सारे लोग देते हैं, सभी लोग। ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने खरीदा, इस मार्कर पर ही एक टैक्स लगा हुआ है, ठीक। अब तो वो जीएसटी हो गया है, और जीएसटी की भी मैं बात बताऊंगा अभी। तो अप्रत्यक्ष कर भी बहुत सारे होते हैं, तो इनमें क्या संशोधन करने की कोशिश की गई, और कर के साथ साथ देखिए समस्या आई क्यों थी। समस्या इसलिए आई थी कि सरकार के पास आमदनी कम थी, खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो सरकार की आमदनी बढ़ जाए और खर्चा कम होने लगे, ये चीजें जब कोशिश की गई इनको देखने के लिए, क्या किया गया कि ये दोनों चीजें संतुलन में आ जाएं, उन नीतियों को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। इंग्लिश में बोलते हैं उसको फिस्कल पॉलिसी, क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में काफी संशोधन करने की, उदारीकरण लाने की कोशिश की गई। अब उदारीकरण का क्या मतलब हुआ, पहली चीज हो जाती है यार टैक्स है। अब टैक्स तो आप सोचोगे कि यार टैक्स कम आ रहा है, इसका मतलब टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए। अभी अभी मान लीजिए मुझे 30% टैक्स देना पड़ता है, मान लीजिए मेरी जो अर्निंग है 15 लाख रुपए है साल भर की, ठीक। अब 15 लाख का मैं 30% यानी कि मैं 4.5 लाख रुपए सरकार को टैक्स दे देता हूं। अब इसकी जगह अगर मुझे बोला जाए कि 30% की जगह नहीं, अब आपका 50% रेट हो गया है, ठीक है, तो मेरे अगर इनकम उतनी ही रहे तो अब आप सोचिए उस हिसाब से ये लगेगा कि अब हमें 7.5 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे टैक्स की तरह। तो कोई भी आमतौर पर लोग ये सोचेंगे कि इसका मतलब है टैक्स बढ़ा दो तो सरकार के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। अब सोचोगे उल्टा कैसे होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जब टैक्स आप ज्यादा ले रहे होते हो तो मेरे पास पहले से इंसेंटिव नहीं है कि मैं ज्यादा काम करूं। क्यों करूं ज्यादा काम, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं 50% मतलब आधा आधा सरकार ले जा रही है, तो मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूंगा, है ना। मतलब आमतौर पर किसी अर्थव्यवस्था में लोग मेहनत करना कम कर देते हैं, क्योंकि अगर सरकार इतना टैक्स में ले जा रही है पैसा, तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा, लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने कर वंचन। क्या होता है, कर का वंचन हो गया, टैक्स इविजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है टैक्स इविजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइड करना समझते हो, अवॉइडेंस मतलब हो जाता है किसी चीज को बचा पा रहे हो, मतलब आपको सरकार इतना टैक्स देने की, आपको टैक्स कितना देना है वो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए भी आप कम दे सकते हो। हो सकता है कि आप अगर अपने जो वित्तीय प्रबंधन है उसको अच्छा करो तो आप 30,000 रुपए का टैक्स बचा ले जाओ। अभी हमारे यहां पर 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग चलती है, अगर आप बचत कर लेते हो, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो या कोई FD बना लेते हो 5 साल से बड़ी, तो आपका टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने वो ठीक से नहीं किया तो आपको ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही आप टैक्स थोड़ा कम दे सकते हो, बचा सकते हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और ये लीगल है, ये कानूनी रूप से वैध है, अवैध नहीं है। लेकिन टैक्स इवेजन, समझ रहे हो, कर वंचन, आपको पैसा देना था और आपने नहीं दिया, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ये क्राइम है, ये अपराध है और ये गैर कानूनी है। तो कर वंचन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि लोग सरकार से एक कदम आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं रहते हैं, है ना। सरकार बहुत कोशिश करेगी कि टैक्स बढ़ने लगे, और अगर आपने टैक्स की रेट बढ़ा दिया है ना, देखिए ये क्या हुआ, 50% हो गया, इसका मतलब टैक्स रेट बढ़ गया। अब टैक्स रेट बढ़ गया तो लोग अपनी इनकम ही नहीं बताते हैं, लोग बोलते ही नहीं कि हमारी अर्निंग हुई, लोग बोल देते हैं हमारी इनकम कम हुई, है ना। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, और इस पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़े इसके लिए टैक्स को कम करना था, और लोग कर की चोरी कम करें इसके लिए भी टैक्स कम करना था। तो टैक्स रेट कम करते चले गए हम लोग बहुत तेजी से, पता 80% तक का टैक्स लग जाता था, उससे भी ऊपर का रेट था एक टाइम पर, कि आपकी एक लेवल से ऊपर की इनकम है तो 80% आप सरकार को दे दोगे। मतलब मैं एक लेवल से ऊपर 5 रुपए कमा के लाया तो 4 रुपए तो सरकार ले लेगी, तो मैं क्यों कमाऊंगा आगे का रुपए, आप समझ रहे हो ना। तो इतना ज्यादा 97% का अभी रेट मुझे याद है, एक जगह पर एक टाइम था जब बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने लग रहे हो तो एक लेवल के ऊपर 97% का भी टैक्स पड़ जाता था। ऐसे ही हमारे यहां पर जो निगम कर होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, वो भी बहुत हाई रेट पर हुआ करता था, उसको भी हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे कर करके कम लेकर के आ गए।
और टैक्स में यार एक चीज और भी देखी गई है, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनमें एक तरह का हेजिटेशन रहता है, और जब हम लोग टैक्स जमा करते हैं तो उसमें होता है कि आपको ये फॉर्म भरना है, फिर वो फॉर्म भरना है, फिर ये करना है, फिर इन बाबू के पास जाना है, ऐसे इतनी लंबी प्रक्रिया बना देते हैं। और हमारे यहां पर जो वित्तीय शिक्षा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी, इस पर ही मेरा बहुत काम करने का मन है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो अर्थशास्त्र और वित्त, इसी में दोनों में मेरा मास्टर्स है। तो भारत में बहुत सारे लोगों को, आप बैंक में जाओगे ना यार, ग्रामीण बैंक में जाओ, लोग बेचारे खड़े रहे तो उनको फॉर्म तक भरना नहीं आता ठीक से, और एक बहुत तरह का डर रहता है, एक अज्ञानता की वजह से उनको लगता है कि मुझे नहीं पता है, कोई मुझे बता दे। तो जब देश में ऐसी स्थिति अभी भी है, और आपने टैक्सेस तो ले रहे हो आप, लेकिन टैक्स लेने की प्रक्रिया अगर आपने जटिल बना रखी है तो बहुत समस्या हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप मुझसे पैसा ले लो, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत हेजिटेशन भी है, दिक्कत भी हो रही है। तो सरलीकरण भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, बहुत ही बड़ा एक अच्छा इनोवेशन भी था, इसकी नीड भी थी। उसमें क्या कर रहे थे हम कि आपको टैक्स देना है, सरकार को टैक्स लेना है, बीच में जो कठिनाई है वो कम कर दी जाए, उसको बोला गया क्या, सरलीकरण। तो ये भी एक बहुत बड़ा संशोधन, बहुत बड़ा सुधार था, और उसमें वो निरंतर सुधार है, आज भी कोशिश की जा रही है कि सरलीकरण किया जाए और सरलीकरण किया जाए। और इसी प्रयास में हमारे देश को एक राष्ट्र एक बाजार बनाने की दिशा में, तो बोला जाता है एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, वन नेशन वन टैक्स वन इकोनॉमी या वन मार्केट, ये इस उद्देश्य से 2016 में GST एक्ट लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक एक्ट बनाया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016, और उसके तहत बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को मिला करके इसमें मिला दिया गया, किसमें, इसमें GST में। तो उसका फिर जो इंप्लीमेंटेशन हुआ था, उसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था उसको जुलाई 2017 से, और ये उम्मीद ये थी कि बहुत सारे जो सरकार है ना वहां पर कर वंचन बचने लग जाएगा, मतलब लोग टैक्स की चोरी कम करना शुरू कर देंगे तो सरकार को फायदा होने लगेगा, साथ में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा। अभी मान लीजिए मुझे महाराष्ट्र से यूपी तक ट्रक पे सामान ले जाना था तो मैं बहुत सारे टैक्सेस देता था, अभी क्या हो गया, एक टैक्स है, आप टैक्स की रेट भले ही उतना कम नहीं किया हुआ हो लेकिन जो झंझट होती थी वो बहुत कम होने लगी। तो एक ये कारण था, इससे एक्सपेक्ट किया गया था कि 1-2% की GDP बढ़ जाएगी, हालांकि इसके इंप्लीमेंटेशन को जिस तरह से लागू किया गया उसको लेकर के बहुत शिकायत है, बहुत सारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि लागू बहुत गलत तरह से किया गया, और सरकार ने निरंतर उसमें कोशिश की है इंप्रूवमेंट लाने की, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट चल भी रहे हैं। तो ये भी एक उसी का एंगल आता है। अब क्या होता है, टैक्स में ये सारी चीजें तो हो गई, अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी विनिमय। तो जैसे भारत है तो कई बार होता है कि डॉलर है वो महंगा हो गया, या रुपए सस्ता हो गया, रुपए की कीमत गिर गई, रुपए कमजोर हो गया, इस तरह की बहुत खबर हम लोग पढ़ते हैं। रुपए कमजोर होने का मतलब है कि मान लीजिए आज से थोड़े दिन पहले आप $1 में ₹70 खरीद सकते थे, ठीक, $1 में, अब आप एक की जगह 75 खरीदने लगे, कितना, अब $1 जो है वो उसमें ₹75 आ सकते हैं, तो डॉलर मजबूत हो गया ना, क्योंकि $1 में ज्यादा चीजें आप आ रही हैं, पहले ₹70 आ रहे थे, 75 आने लगे, तो ₹7 कमजोर भी हो गया, क्यों, क्योंकि पहले ₹70 में आप $1 खरीद ले रहे थे, अब आपको ₹75 देने पड़ रहे हैं, तब भी आप उतना ही खरीद पा रहे हो, तो रुपए कमजोर हो गया। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं बहुत सारे, मतलब जो करेंसी एक्सचेंज रेट होता है, जो हमारी मुद्रा होती है उसमें विनिमय हो रहा होता है, तो वो बदलता रहता है। वो बदलता कैसे रहता है, उसमें कई सरकारों ने कोशिश की कि ये रेट ना बदले, और कई बार किसी देश की प्रतिष्ठा से जोड़ करके रखा जाता है उस देश की मुद्रा की कितनी वैल्यू है। जैसे हमारे यहां पर एक दुनिया में एक देश है, सारे लोग जानते हैं, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उनके यहां पर चला करता है पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं, और उसकी कीमत को वो लोग कम नहीं होने देते हैं यूरो से भी और डॉलर से भी, जबकि कई अर्थशास्त्री बोलते हैं कि उसकी कीमत कम हो जानी चाहिए, क्योंकि उनका उतना अच्छा एक्सपोर्ट नहीं है, निर्यात अच्छा नहीं है। तो जब निर्यात कमजोर रहता है आपका लगातार, तो आपकी करेंसी यानी कि आपकी मुद्रा की कीमत भी कम होने लग जाती है। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बाकी फैक्टर्स अगर चेंज नहीं हो रहे हो तो ऐसा होने लगेगा। तो भारत में लगातार निर्यात जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा, आयात अच्छा रहा है, आयात ज्यादा रहा है, निर्यात कम रहा है, और सरकार पहले इसको भी नियंत्रित करके रखती थी कि कितना रेट होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा सुधार विदेशी विनिमय जो बाजार में किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया गया, वो यही था कि भारत की जो
करेंसी थी ना रुपए, उसको 18-19% घटा दिया गया था एक ही झटके में। कब? जुलाई 1991 में। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी चीज है। देखिए ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये खबर मुझे पता हो चल जाती तो मैं एक ही दिन में करोड़पति अरबपति कुछ भी बन सकता था। मुझे पता चल गया कि मेरे पास मान लीजिए $100,000 हैं, कितने $100,000 हैं, और उसके बदले मुझे जो भी रुपए मिल रहे हैं, ठीक, मान लीजिए उस टाइम पर जो भी रेट था ₹20 का मान लीजिए, तो उस टाइम पर मुझे ₹20 लाख रुपए मिलने वाले होते हैं, कितने ₹20 लाख। अब एक ही दिन में क्या हो जा रहा है कि सरकार अपने जो पैसा है उसका डिवैल्यूएशन कर दे रही है, उसकी कीमत को गिरा दे रही है, और कितना गिरा रही है, लगभग 20%, 18-19% मतलब 20% मान लो, तो 20 लाख की जगह मुझे अगले दिन 24 लाख रुपए मिल जाते, कितने 24 लाख। तो मैं क्या करता, मैं पहले ही बहुत सारे डॉलर्स खरीद लेता कहीं से भी, लोगों से लोन लेकर के, क्योंकि एक ही दिन में आपको 20% का फायदा हो जाएगा। आप समझ रहे, एक झटके से हो रहा है। तो इस तरह के पॉलिसी डिसीजन से बहुत बड़े बड़े गेम हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो आप ये समझिए कि ये क्यों किया गया। अब लोग सोचेंगे यार बताओ भारतीय रुपए कमजोर सरकार ने खुद से कर दिया तो ये तो देश के लिए खराब काम किया। आज भी बहुत सारी ऐसी न्यूज चलती है, हमारे देश में बहुत सारे बाबा हैं जो अर्थशास्त्री नहीं है लेकिन वो अर्थशास्त्र की बात ही बहुत करते हैं कि बताओ रुपए है वो इतना कमजोर हो गया। देखिए रुपए का मजबूत होना भी हमेशा अच्छा नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, और रुपए का कमजोर होना भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। जब रुपए कमजोर हुआ तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे पता चल गया कि यार रुपए कमजोर हो गया तो मैं और डॉलर खरीद लेता, है ना। अब जो बाहर से, सोचिए एक विदेशी है, मान लीजिए आप विदेशी हैं और आपको भारत में पहले आप $1 डाल रहे थे और आपको मिल रहा था ₹20, और आपको पता चल गया कि यार अब तो अचानक से $1 की जगह आपको ₹24 मिलने लगेगा, तो आप क्या करोगे, आप भारत में निवेश करना स्टार्ट करोगे, तो भारत में पैसा आने लगेगा और उसी की तो कमी थी उस समय। तो इस वजह से ये जो अवमूल्यन हुआ था, इसको बोलते हैं अवमूल्यन, इंग्लिश में बोलते हैं डिवैल्यूएशन। तो ये जो डिवैल्यूएशन हुआ था वो उसका क्या बेनिफिट मिला कि भारतीय बाजार में वो चीजें आने लगी, कौन सी, पूंजी आने लगी, निवेश आने लगा। तो सबसे बड़ा जो हमारे यहां पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था वो यही था, करेंसी का डिवैल्यूएशन, है ना, ये पॉइंट हो गया। और ऐसे ही एक बात आई कि अगर आप अवमूल्यन कर रहे हो तो अचानक से इतना बड़ा अवमूल्यन करोगे तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले से ही सरकार को अवमूल्यन करने की जरूरत ही ना पड़े। और वो कब नहीं पड़ेगी, जब बाजार निर्धारित करेगा मांग और पूर्ति के हिसाब से। अगर अंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजार में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में अगर मार्केट डिसाइड करने लगे तो थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहेगा। और अब ऐसा होता है कि लगभग हमेशा ही मार्केट डिसाइड करता है, अनलेस कुछ बहुत ही अजीब एक्टिविटी ना हो रही हो तो हमारे यहाँ RBI हस्तक्षेप करती है, नहीं तो अब हम लोग विदेशी मुद्रा में भारत के रुपए की कितनी कीमत रहेगी अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये बाजार पे छोड़ रखा है काफी हद तक। और ये भी उस टाइम पर सोचा गया था कि हम ऐसा करेंगे, इसमें भी रघुराम राजन और बहुत सारे हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री और RBI गवर्नर्स ने बहुत अच्छा काम किया। तो हुआ क्या था, ये भी एक सुधार हुआ, ये सुधार कई लोगों को सुधार नहीं लगता है, इसलिए इसको ध्यान देना। यहां पर रुपए की कीमत कम कर दी गई थी और वो सुधार था, क्यों, क्योंकि उससे विदेशी पूंजी आने लगेगी और वो आना स्टार्ट भी हो गई थी। तो ये हो गया। अब हम लोग अपने उदारीकरण में जो आखिरी हिस्सा था, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार में क्या हुआ और साथ में निवेश करने में क्या क्या हुआ। देखिए व्यापार में क्या था कि हमारा व्यापार बड़ा बंधा हुआ था, बाहर से हम सामान लेते थे तो उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते थे। क्या लगाते थे, टैरिफ। टैरिफ को हिंदी में बोलते हैं प्रशुल्क, है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रशुल्क लगा के रखते थे, जो मैंने आपको टाटा नैनो का एग्जांपल दिया था जब नेपाल में ऐसी स्थिति थी। ऐसे ही दूसरा सिस्टम था कोटा सिस्टम। कोटा में क्या होता था कि हम इतना ही सामान खरीदेंगे भले ही हमारे यहां पर ज्यादा मांग है, तो वो कोटा सिस्टम भी हमने तोड़ दिया। कोटा को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाण, ठीक है, कि परिमाण की दृष्टि से कितना सामान लेना है, मात्रा की दृष्टि से इतनी ही गाड़ियां आएंगी बाहर से, वो भी हमने हटा दिया। कोटा सिस्टम खत्म ही कर दिया गया, बहुत कम चीजें थी। लाइसेंस मांगना पड़ता था पहले इंपोर्ट करने के लिए, कुछ आपको बाहर से मंगाना है तो आपके पास लाइसेंस हो, उसके लिए भी किसी सरकारी बाबू के पास जाओ, वो भी दूर कर दिया गया। तो जो लाइसेंस का काम था ना, वो उद्योग लगाने वाले तो पहले बढ़ा हुआ था, यहां पर है आयात करने के लिए। यहां पर हम व्यापार की बात कर रहे हैं, व्यापार में क्या होता है, खरीदना बेचना। तो आप बाहर से देश में कुछ खरीद रहे हो तो वो आयात हो जाएगा, यहां से बाहर बेच रहे हो तो निर्यात हो जाएगा। तो उसमें भी क्या हुआ, समझ रहे हो आप, उसमें भी हम लोगों ने लाइसेंस हटा दिया, किसमें, इंपोर्ट में। और वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी, सारे मनी हटाया गया, कुछ वही फिर से खतरनाक रसायन आ जाएंगे, हजार्डस केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव कोई चीज है, पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा, पर्यावरण को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और उसके लिए संवेदनशील है पर्यावरण, तो उनके आयात के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे में आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस हटा दिया गया। और निर्यात में तो एक और चीज थी, निर्यात का मतलब क्या है कि आपने देश से कुछ बना करके बाहर भेज रहे हो,
और बाहर आप चीज भेजोगे तो वहां से सामान पैसा आएगा तो वो फॉरेन करेंसी जो फॉरेन रिजर्व हमारा वो अच्छा होगा, तो फॉरेन रिजर्व अच्छा होगा ये देश की कोशिश रहती है। और इस वजह से हमें आ रहे हैं जो निर्यातक है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। और आज कुछ एजेंसीज हैं, ECGC है, है ना, DICGC है, ये मैं बताऊंगा आगे कभी, ये ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो निर्यातकों को सपोर्ट करते हैं, है ना। निर्यातक मतलब जो यहां से कुछ बना करके बाहर भेज रहा है और उससे देश को फायदा होता है पूरा, तो देश को चाहिए कि ऐसा करे। लेकिन आप सोचिए कितनी अजीब बात थी कि निर्यातकों को भी बाहर कुछ भेजना होता था तो उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। मतलब मैं कोई चीज मैंने बनाई 100 रुपए की, कितने की, 100 रुपए की, और बाहर वाले बाजार में मैं 150 रुपए की बेच सकता हूं, ठीक, तो मैं 100 रुपए बना करके 150 रुपए में बेच रहा था। सरकार ने बोला नहीं इससे 20 रुपए तो हम टैक्स ले लेंगे, तो सरकार 20 रुपए टैक्स ले ले रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से, निर्यात शुल्क के नाम से। अब निर्यात शुल्क मुझे 20 रुपए का देना पड़ रहा है तो मेरा फायदा कितना हुआ, 150 में से 120 घटा दोगे तो कितने का हो गया, 30 का। अब इसी की जगह सोचिए अगर निर्यात शुल्क 20 की जगह 60 रुपए हो जाए तब तो मुझे फायदा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो खरीदेगा ही नहीं। और अगर मैं 160 रुपए में बेचने लगा तो लोग सोचेंगे ये तो पहले 150 में मिलता था अब 160 में खरीदना पड़ रहा है तो मेरा सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। तो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी जिसका तो कोई सेंस बनता ही नहीं था। और अप्रैल 2001 के बाद से, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अप्रैल 2001 के बाद से जो निर्यात शुल्क था ना वो हम लोगों ने लगभग खत्म कर दिया है सारी चीजों पर। अब किसी में भी आपको निर्यात शुल्क नहीं देना है। तो व्यापार में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, उदारीकरण कर दिया, हमारे सारे दरवाजे खोल दिए कि आप भी सामान लेकर के आओ हम भी सामान लेकर के जाएंगे, जो शुल्क है वो बहुत कम लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब बात आती है निवेश की, अंतिम बचा, निवेश में क्या उदारीकरण हुआ। निवेश में यार ऐसा था कि हम लोग बहुत डर करके रहते थे, बंद रह करके, कि बाहर के लोग आ जाएंगे तो हमें खा जाएंगे, जो खाना था वो अंग्रेज खा के चले गए थे। उसके बाद वहां की पूंजी को भी हम लोग अलग तरह से देखा करते थे और वहां पर देखा भी जाना चाहिए। बहुत सारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जैसे हमारी सुरक्षा है। अगर मान लीजिए भारत की सुरक्षा में कोई विदेशी कंपनी है, कोई सुरक्षा कंपनी है, उसमें कोई विदेश की कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है तो हमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। बैंकिंग सेक्टर बहुत सेंसिटिव होता है तो यहां पर भी बहुत ज्यादा पूंजी नहीं खोल के देनी चाहिए उन लोगों को। अभी 74% किया गया, 100% क्यों नहीं किया गया, 74% कर दिया गया है। कुछ ऐसे सेक्टर जैसे रिटेल में, अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि 100% FDI अलाउ कर दी गई है। अब निवेश भी दो तरह का होता है, एक होता है FDI और एक होता है FII। FDI को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा निवेश करता है कोई बाहर से, विदेश से, और वो लंबे समय के लिए करता है, तो FDI का ज्यादा फायदा हो रहा होता है। और FII में क्या होता है, कोई एक इंस्टीट्यूट होता है, कोई एक संस्था है, विदेशी संस्था है, वो हमारे देश में निवेश कर रही है और ये लोग खुद स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और जैसे उनको लगता है कि अच्छा हो रहा है तो लगा दिया, नहीं अच्छा हो रहा तो निकाल ले रहे हैं। ये इसलिए बहुत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉट मनी, आ रही है जा रही है, तो ये उतना फायदा नहीं देती जितना FDI देती है। और इन दोनों में भी भारत सरकार ने 1991 में काफी संशोधन किए कि काफी पैसा भारत को आना शुरू हो जाए, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो दूर करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से निवेश में क्या हुआ ना कि बहुत सारी जो अड़चन आती थी कि आप इस इतने प्रतिशत से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हो, वो दरें बढ़ा दी गई, इन इन क्षेत्रों में नहीं निवेश कर सकते हो, वो क्षेत्र भी खोल दिए गए, तो बहुत सारे विदेशी FII मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनको भारत के लिए खोल दिया गया, पूरी तरह से नहीं, बाद में भी हम खोलते चले गए, पूरी तरह से खोलना भी नहीं चाहिए। अभी हम लोगों ने अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा नाम, जिसका नाम है गरीबी, और उस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे बाजार खोलने की वजह से जो हमारे देश के किसान हैं उनको किस तरह से कहां कहां पर नुकसान हुआ, है ना। तो सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, उनके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हो रहे होते हैं। कोई भी आप काम करोगे उसका कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, और अगर आपको नुकसान ज्यादा होने लगे या जो पहले से ही दुख में है उसको ज्यादा नुकसान होने लगे तो वो फिर वो पॉलिसी, वो योजना अच्छी नहीं रही, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें बड़ा संतुलन बना करके करने की कोशिश करनी पड़ती है, और यही तो अर्थशास्त्रियों का काम है। आप अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि आपके एक अच्छे निर्णय से, आपकी एक अच्छी समझ से कितने लाखों लोगों को फायदा हो सकता है, समझ रहे ना। और यही अर्थशास्त्र की ब्यूटी है कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों के जीवन में सीधा सीधा दखलंदाजी करने का काम आप कर सकते हैं। तो ये सारी बात करेंगे अपने अगले चैप्टर में, लेकिन इसके बाद उदारीकरण के बाद हम लोग किस पर आ जाएंगे, निजीकरण के, और निजीकरण की बात करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अब देखिए, कई लोग हैं आप लोगों में से जो नोट्स को लेकर के परेशान हो रहे थे, हम लोग जो भी लेक्चर बना रहे हैं ना, हर वीडियो से रिलेटेड नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, और हम लोगों के ये वीडियोस कुछ अलग प्लेलिस्ट से भी शेयर हो रहे हैं जहां पर बच्चे खुद ये समझ नहीं पाते हैं कि पहला इससे पिछला वीडियो कौन सा था, इसके बाद वाला वीडियो कौन सा है। तो साथ में डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप
उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस एक क्रम में मिल जाएंगे, पहले चैप्टर के सारे वीडियोस एक साथ, उसके बाद से फिर रिवीजन वीडियो पहले चैप्टर का, फिर दूसरे वीडियोस के, इस तरह से। तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन की बात मत लीजिए, हम लोग आपको सारे नोट्स देंगे, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन तो चुटकियों का खेल है यार, उसमें तो कुछ टेंशन रहेगी नहीं। साथ में अगर आपको आईएएस या यूपीएससी में अर्थशास्त्र लेना है या सामान्य विज्ञान, जो सामान्य ज्ञान होता है उसमें भी जो इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का पोर्शन आता है वो आपका अच्छे से कवर होता जाएगा अगर आप ये वीडियोस देखेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।